दोस्तों, हमारे पास एक मोबाइल है जो कि सैमसंग का है। इस पे जो फोल्डर लगता है, फोल्डर पर ही इसका मेन फ्लक्स होता है और मेन फ्लक्स इसका पीसीबी से कट गया है। अब इस फोल्डर को हम ओके करेंगे, चार्जिंग शो करेगा, सब कुछ ओके करेगा। देखो ये यहाँ से कट गया है। इसका दूसरा हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। ये देखो फोल्डर ऑन है, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओरिजिनल फोल्डर है और ओके। और ये पार्ट यहाँ से कट गया है। अब हम इसको लगाएंगे, देखते हैं कैसे लगाते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाएंगे और इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। और हम एक बात आपको और बता देते हैं, इसमें हम कोई भी शोल्डरिंग नहीं करेंगे और कोई भी जम्पर नहीं लगाएंगे। विदाउट जम्पर के इसको जोड़ेंगे, देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। अब हम एक सैमसंग का इसी मॉडल का एक हम ब्रेक फोल्डर लेंगे जो कि टूटा हुआ फोल्डर होएगा, ब्रेक होएगा। यहाँ से ये कट गया है, यहाँ पे हम इस पर टेप रोल लगाते हैं ताकि शॉर्टिंग ना करे लगाने के बाद। अब इस पत्ते को, जहाँ से ये कट गया है, यहाँ इस हिस्से को हम काट देंगे क्योंकि ये मेन फ्लक्स का पत्ता है। डिस्प्ले का इस साइड रह गया और जो हमने काट दिया वो मेन फ्लक्स का पत्ता था जो इस फोल्डर के साथ अटैच होता है। और ये है हमारे पास उसी मॉडल का सेम फोल्डर। इसको हम काट लेते हैं और इसकी मेन फ्लक्स को काट लेंगे, बिल्कुल मेन फ्लक्स को ध्यान से काटना है। इस पे प्रिंटिंग शार्प बिल्कुल क्लियर शो हो रही है। ये देखो ये हमारा मेन फ्लक्स अलग हो जाएगा हमारे फोल्डर से। ये देखो ये हमारा मेन फ्लक्स है जो पीसीबी को मेन बोर्ड से कनेक्ट करता है। इसको हम इसके साथ ऐसे लगा देंगे। बिल्कुल इजी है, कोई भी जम्पर नहीं लगाना है और कोई भी शोल्डरिंग नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से न्यू ट्रिक है। थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है, फोल्डर के अंदर ही इसका मेन फ्लक्स दिया हुआ है। ये देखो ये, अब हम इसको चला के भी दिखाएंगे, चार्जिंग करके भी दिखाएंगे और साउंड चला के भी दिखाएंगे। साउंड भी आएगा, चार्जिंग भी लगेगा, सब कुछ ओके चलेगा। अब इसको हम लगाते हैं, ये देखो ये चीज़ लगा दी तो ये भी लगा दी और इसको पीसीबी से कनेक्ट कर देंगे। ये पीसीबी आ गई और इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसको ऑन करेंगे। ये देखो सैमसंग का M11 सेट है। कोई भी मोबाइल हो जिसका फोल्डर पीसीबी से कनेक्ट हो, प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि हमने ये सही लगाया है या नहीं, ये ट्रिक आपको कैसी लगी वो भी बताना। ये देखो टच भी सही वर्क कर रही है और हम इसका चार्जिंग लगा के देखेंगे। ये देखो चार्जिंग भी ओके है। बिल्कुल सही काम कर रहा है, बिल्कुल ओके है। इसका पासवर्ड लगा के आपको दिखाते हैं, साउंड सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। साउंड, माइक, इंटरनेट और नेटवर्किंग, चार्जिंग, सब कुछ ओके वर्क करेगा। ये देखो हम साउंड में चले गए
और साउंड हम आपको चला के बजा के दिखाते हैं साउंड कैसे चलता है इसका। ये रिंगर डब्बी हमने लगा दी इसकी, ये रिंगर लगा दिया। रिंगर लगाने के बाद आप हम आपको साउंड चला के दिखाएंगे। साउंड बिल्कुल ओके चलता है, ये देखो ये साउंड चल रहा है, बिल्कुल ओके चल रहा है।